हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और अगर आप में से किसी भी बच्चे ने ITI कर रखा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। टेक्नीशियन के पद आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो जूनियर इंजीनियर के लेवल की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो बहुत सारे पद है, जैसे कि सुपरवाइज़र के और आपके टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल के पद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेशर एलिजिबल है और विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। CVT एग्ज़ाम आपका होगा, ट्रेड टेस्ट आपका होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कैसे रहेगा। एंड यहाँ पे सैलरी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग पोजीशन का अलग अलग सैलरी आपको मिल जाएगा। टेक्नीशियन के पदों के लिए आपका सैलरी अलग रहने वाला है, डिप्लोमा के पदों के लिए सैलरी अलग रहेगा और डिग्री वालों के लिए सैलरी आपको अलग देखने को मिलेगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और आप इसको आराम से अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, जैसे कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हो। फायदा आपको ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने मुझको बता रखा है कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये टॉप पे दे रखे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC में काम कर रहे हैं, टॉप PSU में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगर आपने यहाँ पे ITI कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आपका जो वैकेंसी रहेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। स्टार्टिंग में 4 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, सैलरी बढ़िया है। बाकी अगर आपका परफॉर्मेंस उन 4 सालों के अंदर बढ़िया रहा तो ये आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। अब ये नोटिफिकेशन मुझको कहाँ से मिला है? मुझको हमारे एक दोस्त हैं जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है जॉब तक नाम से, उन्होंने मुझको शेयर किया है। उनको किसी बच्चे ने शेयर किया था जो कि कोरवा अमेठी के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रहा है, और ये कोरवा अमेठी का जो ऑफिस है हेल का, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा स्कैन बाय स्कैन प्रो से इन्होंने स्कैन कर रखा है, ठीक है। तो ये नोटिस आपको, अगर आप कोई, आपका कोई भाई बहन है या फिर कोई आपका दोस्त है जो कि काम करता है अमेठी के अंदर कोरवा ऑफिस में हेल में, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर पाएंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन जल्द ही आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में। पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, ये आपका सीरियल नंबर है और ये आपका चैन, आपका जो रहेगा पोस्ट का क्या नाम है, कितना सैलरी रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा, टोटल यहाँ पे वैकेंसी मेंशन कर दी है।
ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है, कमर्शियल असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, एडमिन असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर के पदों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है, लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। एक बहुत बढ़िया सैलरी के साथ आपको ये जॉब मिलने वाली है। बाकी बात करते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में, जो कि जानना बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूरा चार्ट में मेंशन कर रखा है। अब जिस पद के लिए एक्सपीरियंस मांगा है उसके अंदर मेंशन कर रखा है, और जहाँ पे एक्सपीरियंस का नहीं बोला वहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है आपका ऑपरेटर के पद, अब इसमें डिपार्टमेंट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर आपने 3 साल का रेगुलर, मतलब कि 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कहीं पे एक्सपीरियंस बोला नहीं है तो फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आती है ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है रेगुलर फुल टाइम, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है तो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी आती है यहाँ पे कमर्शियल असिस्टेंट की और एडमिन असिस्टेंट की। इसके अंदर अगर आपने रेगुलर डिग्री कर रखा है, लाइक बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीबीएम का कोर्स कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीएसडब्ल्यू कर रखा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो आपका पैटर्न होना चाहिए यहाँ पे 10+2+3 का पैटर्न यहाँ पे आपको होना चाहिए, एंड यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग का, जो कि आपका यहाँ पे होना जरूरी है। 3 महीने का ड्यूरेशन का एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए टाइपिंग स्किल का, जो कि मैंडेटरी रखा है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगली वैकेंसी आती है ऑपरेटर मशीनिंग के पदों के लिए, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। अगली वैकेंसी आती है ऑपरेटर के पदों के लिए, तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है 2 साल का और टेंडर के अंदर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आती है, यह भी आपका ऑपरेटर का है ग्राइंडिंग के अंदर, तो अगर आपने 2 साल का आईटीआई कर रखा है मशीनिस्ट ग्राइंडिंग के अंदर और आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आती है ऑपरेटर इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर, तो अगर आपने 2 साल का आईटीआई कर रखा है प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है इलेक्ट्रो प्लेटर में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर के पदों के लिए वैकेंसी है बीएससी कर रखा है केमिस्ट्री से, फ्रेशर है, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के पदों के लिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है उसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर देना, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, एज लिमिट क्या रहेगा। एज लिमिट जो रहने वाला है वो आपका 28 साल रहेगा, मतलब कि जनरल और AWS कैंडिडेट के लिए 28 साल का एज लिमिट है, जो कि 31 जनवरी 2024 तक काउंट होगा। एंड यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SST कैंडिडेट को, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC कैंडिडेट को, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आपका यहाँ पे कोरबा अमेठी के अंदर है UP में, वहाँ पे आपका जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा, और वहीं पे नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस चिपकाया गया है, तो किसी बच्चे ने वहाँ पे फोटो क्लिक करके भेजा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रहेगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो आपका 4 साल का स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फर्दर उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, जो मेंशन कर रखा है वही चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। सैलरी क्या रहेगा, सैलरी आपका अलग अलग स्केल पे के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बेसिक पे मेंशन कर रखा है, B4 जो आपका स्केल पे है उसका 21,000 रुपये रहेगा, C5 का आपका 22,000 रुपये रहेगा और D6 का आपका 23,000 रुपये रहेगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करा के लगभग आपका अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। एंड यहाँ पे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका स्केल D6 है और आपका C5 है, उसके अंदर जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है, एंड यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है उसके अंदर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, दोनों आपके होंगे, तो यहाँ पे दे रखा है। बाकी जो अदर पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड के अलावा, उसके अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि लाइक एक CBT एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख लेना, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, इन्होंने दे रखा है कि आपका प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिटेल से बता रखा है। ये अभी एक नोटिफिकेशन जो इनके नोटिस बोर्ड पे लगा है, जो कि कोरबा अमेठी के अंदर है, वहाँ पे लगा है। जल्द इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन जारी होगा और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको इनके ऑफिशियली वेबसाइट को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, वहाँ पे कोरबा अमेठी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखा है मात्र 200 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। अभी तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही अप्लाई कर पाओगे। 200 रुपये उनको पे करना है, जो कि यहाँ पे जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हैं, उनको 200 रुपये पे करना है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, या फिर आप इंटरनल कैंडिडेट हैं, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसके 15 से 20 मिनट के बाद ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश होता है, मैं आपके लिए अलग से अप्लाई वीडियो बना दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपको अप्लाई वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।